Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. Get notified directly for latest uploads. का पूरा हक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आजादी राय का हक है और हम तुम्हारे इस घटिया स्लोगन को हम रिजेक्ट करती हैं। हमारा अपना माशरा है, हमारी इकदार है, हमारा मजहब है, हम अपने नजरियात के साथ जीना चाहते हैं और अपने अपने अंदाज से जीने का हमें पूरा हक है। तो हम तो तुमसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पहनती हैं, तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, तुमसे ज्यादा खुश शक्ल है, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें गाड़ी चलाने से भी कोई नहीं रोकता, हम अपनी शॉपिंग पर भी खुद जाती हैं, हम शादियों में सजती हैं, समर्पी हैं, अपनी बाउंड्रीज में रह के, लिमिट में रह के हम लोग फैशन करती हैं, हम जरूरियात जिंदगी के सब काम करती हैं। अब हम अपने शोरों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ घूमती हैं, फिरती हैं और हमारे शोहर हमारी जरूरियात को पूरा करते हैं, हमारे वालिदैन हमारी जरूरियात को पूरा करते हैं, हमें महारानी और शहजादियां बना के रखते हैं। लेकिन हमारी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, वो ही लिमिट्स जो है हमारी इज्जत है और ये लिमिट्स हमारे जो है मुहज्जब और हमारे मुहज्जब माशरे ने और हमारे मजहब ने हमें सिखाई है, ताकि हम माशरे में इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें, माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, और इन लिमिट्स में ही हम रहना पसंद करती हैं। हमारे शोहर हम पर जुल्म नहीं करते हैं, किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं करते हैं। पाकिस्तानी बेटियां खुश हैं, इक्का दुक्का वाकया जो है वो हर जगह हो जाते हैं और 100% मामला तो सिर्फ और सिर्फ जो है फरिश्तों के ही दुरुस्त हो सकते हैं। किसी इंसानी माशरे में माशरे के हर तरह की जो है नेगेटिव पॉजिटिव आंसर होते हैं। आजादी और इंसानी हकूक की लंबरदार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में सिर्फ आधे घंटे के लिए बिजली चली गई थी इस आजाद और बकौल तुम्हारे महज़ब माशरे में 31,000 डकैतियां, गैंग रेप की वारदातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम मगरब ज्यादा नंगे माशरे की निस्बत अपने तहजीब में महफूज हैं और खुश हैं और आजाद भी हैं, और इससे ज्यादा आजादी हमें चाहिए भी नहीं। बीबियों, औरत को असली इज्जत और तहफ्फुज़ सिर्फ बाप, भाई, बेटा, शोहर ही दे सकते हैं। बाकी औरत खुद ठीक हो तो 1,000 मर्द भी मिलकर उसको जो है बर्बाद नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता। अगर औरत खुद खराब है तो वो 1,000 मर्दों को खराब कर सकती है। तुम्हारे जैसी औरतों से मर्द ही को खतरा है। हमें तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, ये अपने मशवरे अपने पास रखो। तुम्हारा ये मार्च औरत मार्च नहीं बल्कि बेगैरती मार्च है, फाशी मार्च है। तुम्हें हकूक आजादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी माशा तबाह करने का टास्क दिया गया है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से दुश्मन मुवालिक ने तुम्हें टास्क दिया है। हमें तुम्हारा ये खवातीन मार्च और इसके गलीज नारे किसी भी सूरत कबूल नहीं है। औरत बद किरदार हो तो वो 2% की होती है, मैं तो कहती हूँ 2% की भी नहीं होती है, और बर्द भी अगर बद किरदार हो तो वो भी 2% का ही होता है। नाम निहाद कोई बद किरदार स्कॉलर हो तो वो भी 2% का ही है, और कोई लिफाफा एंकर हो तो वो भी 2% का ही खिलाएगा। कोई फहाशा औरत ये कहे कि जी इसकी फहाशी की इज्जत करो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ऐसी कोई फहाशा तौबा करके अल्लाह के सामने और गंदगी छोड़कर साफ सुथरी जिंदगी गुजारे और साफ सुथरी जिंदगी की तरफ आ जाए तो वो इज्जतदार है। इसको जो है अल्लाह ताला भी इज्जत देता है और माशरा भी इज्जत देता है। इज्जत पाने के लिए ना इज्जत पाने की ख्वाहिशमंदो इज्जत वाले काम भी करो, इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं, वरना 2% की जिंदगी से कभी नहीं निकल पाओगे। गंदगी की सफाई की जाती है, गंदगी का जो है दिफा नहीं किया जाता। तुम जैसे चीचक ज्यादा चेहरे को जितना मर्जी मेकअप में छुपा लो, चेहरा धुलने पर इसकी हकीकत सामने आई जाती है। इसलिए इसके लिए जो है सर्जरी की जरूरत होती है, और चीचक ज्यादा रूहों की सर्जरी तौबा है। तुम अपने करतूतों से तौबा करो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। खवातीन गंदगी मार्च वाली हो, तुम अपना नजरिया अपने पास रखो। हम इसको मुस्तरद करते हैं और बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तानी बेटियां मुस्तरद करती हैं इसको। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुमान में रखे। हमारा अपना नजरिया है, याद रखो हमारा अपना नजरिया है। पाकिस्तानी बेटियों का, माओं का नजरिया है, बहनों का नजरिया है।
तुम ये घटिया नजरिए अपने अपने पास रखो। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।